अगर तो किसी की ये ख्वाहिश थी कि अलबेक वाला एरिया बिना रश के देखे तो वो आज पूरी हो गई। इस टाइम वर्कर जो हैं वो आराम कर रहे हैं और ये सामने आप देख सकते हैं कितनी खामोशी है यहाँ पर। मस्जिद गुमामा वाला एरिया देख लें, यहाँ पे भी बिल्कुल खामोशी, सिर्फ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। ये पानी लगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं नासिर सरवर, मकीने मदीना, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाजरीन, सुबह सुबह का टाइम है, मदीने की गलियां, मौसम देखें आज कितना खूबसूरत हो रहा है, बादल छाए हुए हैं हर तरफ। और दूसरी बात यह कि ये जो टाइम पीरियड होता है तकरीबन हज से 4-5 दिन पहले और हज के 2 दिन बाद, इस टाइम जो मक्का मुकरमा में तो आपको पता है सारे ज़ायरीन जो है वो इस टाइम यहाँ से मदीना से वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन मदीना की जो गलियाँ हैं, मस्जिद नबी शरीफ है, वहाँ के क्या मनाजर हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं होता, ज़ायरीन जो है वो होते ही नहीं है, या तो रहायशी होते हैं क्योंकि इस टाइम हज पे आने वाले सारे जो हैं वो मक्का में होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ मदीने की गलियाँ, मैं बाहर निकला हूँ, अल अवाली के अंदर भी यहाँ पे कोई रश नज़र नहीं आ रहा, लोग नज़र नहीं आ रहा, वरना इतने ग्रुप हरम की तरफ जा रहे होते थे, आ रहे होते थे। तो मेरे साथ रहिए, आपको ज़रा मैं गलियाँ विज़िट करवाता हूँ और मस्जिद नबी शरीफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना रश देखने को मिलता है। तो मेरे साथ रहिए। ये देखें यहाँ पर सड़कें बिल्कुल खाली, यहाँ तो यहाँ पे गाड़ियाँ हमेशा आपको जाते हुए नज़र आती थी, यहाँ आते ही अलबेक के बिल्कुल सामने वाली साइड पर हूँ। ये देखें वो रास्ता जहाँ से हम डेली हरम जाते हैं, बिल्कुल खाली, ना कोई हाजी नज़र आ रहे हैं, कोई रश नहीं है। यहाँ पे नज़र आई है तो हमें सिर्फ एक कैटो नज़र आई है। क्या हाल है अभी कैटो? वो प्यारी सी बिल्ली, ये देखें। और ये मैं इस टाइम गुजर रहा हूँ अलबेक वाली साइड पर, यहाँ पर कबूतर ही कबूतर। अगर तो किसी की ये ख्वाहिश थी कि अलबेक वाला एरिया बिना रश के देखे तो वो आज पूरी हो गई, कि ना सिर्फ अलबेक वाला एरिया बल्कि ये गलियां कूचे बिल्कुल खाली नज़र आ रहे हैं आपको। वरना हमेशा यहाँ पर एक लंबी सारी लाइन होती है, जो लोग अलबेक लाइन लेने के लिए यहाँ पे लाइनों में लगे होते हैं, कम अज़ कम लोग यहाँ पर घूम फिर रहे होते हैं। ये देखें, ये अल जज़ीरा मॉल के साथ बड़ा ज़बरदस्त ग्रासी लॉन बना दिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और इस टाइम वर्कर जो हैं वो आराम कर रहे हैं। और ये सामने वो गुलनार तैबा वाली बिल्डिंग, और ये दुरस अमजद सलाम ये वाला एरिया दिखा रहा हूँ आपको। कितनी खामोशी है बिल्कुल यहाँ पे। ये होटल्स वगैरह मेरा ख्याल जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं ईद करने के लिए, वो भी कल या परसों पहुँचेंगे, सो फिर थोड़ी सी चहल पहल ज़्यादा हो जाएगी। अभी मुकामी लोग हैं यहाँ के। अभी गलियों में देखें यहाँ पे कोई रश नहीं है, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मस्जिद नबी शरीफ जाके देखता हूँ माहौल, और जो सबसे अच्छी बात होगी वो मेरा ख्याल यही होगी कि आप बड़े पुरसकून अंदाज के साथ रोज़ा रसूल पे हाज़री देंगे, वहाँ रश नहीं होगा, वरना काफ़ी धक्कम पेल होती है, रश होता है। तो वहाँ चल के देखते हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या मंज़र है। लें जी, मैं गुलनार तैबा के सामने पहुंच गया हूं और यहां से हम रोज़ाना की बुनियाद पर हरम जाते हैं। और ये देखें गलियों में माशाल्लाह से कबूतर बैठे हुए हैं मज़े के साथ। देखें इस गेट के ऊपर इतने ज़्यादा कबूतर यहां पे बैठे हुए हैं क्योंकि यहां पे लोग नहीं हैं। ये देखें मंज़र, वो सामने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, अंदर चल के देखते हैं। सामने जन्नतुल बकी का खूबसूरत नज़ारा, और ये वर्कर्स हैं। सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वरना यहाँ पर एक लंबी कतार आप लोगों को देखने को मिलती है जो रियाजुल जन्ना में जाने वालों की लगी होती हैं, लेकिन आज वो लाइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, वरना यहाँ से लेकर बड़ा दूर तक सिर्फ हाजियों की लाइन नज़र आती है। और मैं इस टाइम बिल्कुल गुंबद खजरा के सामने पहुंच गई हूँ। ये देखें यहाँ पे एक अच्छा खासा हजूम होता है, ज़्यादातर लोग यहीं पे बैठे होते हैं। माशाल्लाह, और माशाल्लाह से ये आप मस्जिद नबी शरीफ का अंदरूनी मंज़र देख रहे हैं। बादलों की वजह से आज मौसम तो इंतहाई खूबसूरत हुआ है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, हर तरफ बादल ही बादल।
और हो सकता है कि बारिश भी हो जाए। सुभान अल्लाह। और सामने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, तो मस्जिद के अंदर भी लेके चलता हूँ और सलाम भी अर्ज़ करने चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कितना रश है। ये देखिए गुंबद खजरा के फ्रंट वाला एरिया जहाँ पर लोगों की लंबी लाइन होती है जो अंदर सलाम पेश करने के लिए जाते हैं रियाजुल जन्ना के लिए। तो मैं अब चलता हूँ आप लोगों को लेके अंदर सलाम के लिए, तो देखते हैं। ये वर्कर भाई खड़े हुए हैं माशाल्लाह। मौसम भी इंतहाई खूबसूरत है भाई आज माशाल्लाह। बाबू सलाम, वो दरवाज़ा जहाँ से हम लोग सलाम पेश करने के लिए अंदर दाखिल होते हैं, आप देख सकते हैं कितनी खामोशी है यहाँ पर। और ये दरवाजे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ पर ज़ायरीन जो है ना सलाम पेश करने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के दस्तमें जाते हैं, तो इंशाल्लाह अज़ वजल जाके जालियों के सामने खड़े होकर। वो आज मुझे एक शेर याद आ गया कि कुछ देर सलामी को ठहराया मुवाजिब है, तो सामने चल के हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने खड़े होकर सलाम अर्ज़ करता हूँ आप सब के लिए। आप सबका भी सलाम अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह पाक जल्द आपको भी बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। जालियों के सामने मुनासिब नहीं लगता वीडियो बनाना, मैं सलाम पेश करके इंशाल्लाह बाहर निकल के बाहर की साइड का मनाजर दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के दस्तमें सलाम अर्ज़ कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ खड़े होकर सलाम पेश करने का मौका मिला है। और अब चलते हैं बाहर, अब दिखाता हूँ कि मदीने की गलियाँ के एक साइड तो हमने दिखा दी है, दूसरी साइड पे लेके चलते हैं आपको। ये मस्जिद नबी शरीफ का अंदरूनी हिस्सा, ये अंदर छतरियों के नीचे जगह, यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। बाकी जमजम के कूलर, ये अंदरूनी हिस्सा है मस्जिद नबी शरीफ का। चलें हम भी जमजम पीते हैं। तो चलिए चलते हैं मस्जिद गुमामा की तरफ, मस्जिद गुमामा देखते हैं चल के वहां पे क्या रश है। लें जी मस्जिद गुमामा वाला एरिया देख लें, यहाँ पे भी बिल्कुल खामोशी, सिर्फ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ये पानी लगा रहे हैं। मैंने कहा आज मदीने की गलियां आपको ठीक से विजिट करवाऊं, दिखाऊं कि जब जायरीन जो हैं वो यहां से मक्का चले जाते हैं तो पीछे फिर मदीने का मंजर कैसा होता है। बेशक अल्लाह और उसके रसूल का घर जो है वो आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही सजता है, लेकिन इस टाइम वो खुश नसीब लोग हैं जो मक्का में फरीज़ा, अहम फरीज़ा जो है इस्लाम का, जो पाँचवा अहम रुकन है, उसको अदा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। सामने हुजूर का रोज़ा और ये मस्जिद गुमामा की तरफ, वरना यहाँ पर आपको दिन का हर टाइम, रात भी चाहे रात क्यों ना हो, आपको हर टाइम यहाँ पे जो है ना हाजी बैठे हुए मिलते हैं, ज़ायरीन बैठे हुए मिलते हैं, लेकिन इक्का दुक्का मुकामी लोग यहाँ पे फ़िलहाल घूम रहे हैं। बाकी ये जो है ये वर्कर्स जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरह सामने मस्जिद अबू बकर सदीक का मंज़र, यहाँ पर आके ना वो जो कोविड के टाइम की वो वाइब्स आई कि यकीन कीजिए तब भी बिल्कुल एक ऐसा ही माहौल होता था। अब ये देखें जब याद होगा अक्सर मैं लाइव किया करता था तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता था, कबूतर बिल्लियाँ चंद लोग या वर्कर्स होते थे। तो अल्लाह दोबारा ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई टाइम ही ना लाए, ये तो बस ज़ायरीन है वो खुश नसीब लोग हैं जो मक्का पहुँचे हुए हैं। तो मेरे दिल में यूँ ही आया, मैंने कहा आप लोगों को ज़रा दिखाऊँ कि जब जो लोग ज़ायरीन होते हैं, जो हुज्जाज होते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं तो फिर पीछे से ना इस तरह का माहौल होता है। लेकिन ये ईद से एक दिन पहले लोगों का फिर यहाँ पर रश हो जाना है, ईद की नमाज़ के टाइम भी वो मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगा। उसकी वजह ये है कि
मक्का में ऐसे रहने वाले लोग जो हज नहीं कर रहे, या पूरे सऊदीया में जो लोग हज नहीं कर रहे, उनकी फिर ख्वाहिश ये होती है कि वो ईद नमाज यहाँ पे मदीना आके अदा करें और यहाँ पर अपनी ईद गुजारें। तो एक अच्छा खासा दोबारा यहाँ पे रश बढ़ने वाला है, ये एक दो दिन ऐसे होता है। तो ये देखें, ये कुबा के सामने जाने वाला रास्ता। इस वीडियो के चक्कर में इस भाई ने आकर मेरे अंदर मारी है जोर से साइकिल। अब सॉरी सॉरी कर रहे हैं, अच्छी खासी लग गई है, अब सॉरी कर रहे हैं मुझसे। मैं वीडियो बना रहा हूँ, पीछे से आके दे मार, 4,500 साइकिल मारी है। ओके, तेरी सॉरी के चक्कर में मेरे दर्द होने लग गई है। ये यहाँ पर वो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो आपको कुबा बिठा के लेके जाती हैं, लेकिन इस टाइम जायरी ना होने की वजह से सारी गाड़ियाँ यहीं पर खड़ी हैं। और ये सामने वाला एरिया, जब कोई कस्टमर ही नहीं है तो ये शॉप क्यों खोल के बैठे हुए हैं भाई? वेट में होंगे कि कोई आ ही जाए। ले जी, शॉप भी विजिट करवा देते हैं। ये देखें, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एक ही शॉप है ऊपर से शुरू से लेकर एंड तक जो है। क्या बात है भाई, जबरदस्त किस्म की परफ्यूम कलेक्शन, वॉचेस। वाह, ये बाबू सलाम वाला एरिया आ गया। यहाँ पे भी शॉप ओपन है और गलियाँ खाली। पानी वाली टैंकी, चलो कुछ तो नजर आ रहा है। लीजिए, ये थी मदीने की गलियां और मस्जिद नबी शरीफ के अंदरूनी हिस्से जो मैंने आपको विजिट करवाए हैं कि हाजियों के बाद जाने के बाद यहाँ पर कैसा माहौल होता है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी अल्लाह पाक हमेशा इन गलियों को यूं ही आबाद रखे। ये अल्लाह पाक आप सबके नसीब में जल्द बाद हाजिरी लिख दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में राय दीजिएगा कि आपको ये ब्लॉग